मम्मी हॉरर स्टोरी पार्ट 6 देखने से पहले इसके बाकी पार्ट जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे पिरामिड वाले बाबा गुल्ली बुल्ली और बाबा को लेकर अमेज़न के जंगलों में आ जाते हैं और नक्शे की मदद से ये चारों मिलकर अमेज़न जंगलों में मौजूद असली पिरामिड को ढूंढ निकालते हैं। मगर पिरामिड के पास पहुंचकर पता चलता है कि अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है और इस बात से गुल्ली बुल्ली और बाबा बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि शॉन को बचाने के लिए इन्हें पिरामिड के अंदर जाना ही होगा। मगर किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर अब पिरामिड के अंदर जाएंगे कैसे, जिसके बाद थक हार कर गुल्ली बुल्ली और पिरामिड वाले बाबा यहीं पर ही बैठ जाते हैं और बाबा पास में ही खड़े हो जाते हैं। अब आगे बाबा पास में खड़े होकर चारों तरफ नजर रखे हुए हैं क्योंकि इतने बड़े जंगल में रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए बाबा को थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। अभी बाबा इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक बाबा ने ऐसा क्या देख लिया। बाबा ने फौरन गुल्ली बुल्ली को आवाज लगाई और कहा कि सामने देखो। गुल्ली बुल्ली ने जैसे ही सामने देखा तो इनके होश उड़ गए और बुल्ली बोला, बाबा ये तो अपना रॉड है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ सकता है? बाबा आपने तो रॉड को पिंजरे में बंद कर दिया था। बाबा कहती हैं, हाँ बुल्ली मैं भी यही सोच रहा हूँ, मगर पहले हमें कहीं पर छुपना होगा, कहीं रॉड हमें देख ना ले। चलो जल्दी मेरे पीछे आओ। और फिर चारों लोग एक पत्थर के पीछे आकर छुप जाते हैं और रॉड को देखने लगते हैं। इधर रॉड एक बड़े से पत्थर के पास आकर रुक जाता है और उसे धक्का लगाकर खिसकाने लगता है। रॉड को ऐसा करते देखकर गुल्ली बुल्ली और बाबा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर रॉड करना क्या चाहता है। बस चारों चुपचाप रॉड को देखे जा रहे हैं। अरे ये क्या, रॉड ने पिरामिड का दरवाजा खोल दिया। इसका मतलब दरवाजा पत्थरों को खिसकाने से खुलता है। रॉड को दरवाजा खोलते हुए देखकर गुल्ली बुल्ली और बाबा को भी मालूम हो जाता है कि आखिर पिरामिड का दरवाजा खोलना कैसे है। और तभी गुल्ली बोला, बाबा रॉड तो दरवाजा खोलकर पिरामिड के अंदर जा रहा है, हमें भी रॉड के पीछे अंदर चलना चाहिए, वरना क्या पता बाद में दरवाजा खुले भी या नहीं। बाबा कहती है, नहीं गुल्ली, पहले रॉड को चला जाने दो, क्योंकि रॉड मम्मी के काबू में है, इसीलिए रॉड के पीछे जाने से हमारे लिए खतरा हो सकता है। इधर रॉड पिरामिड के अंदर चला जाता है और रॉड के अंदर जाते ही पिरामिड का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। इधर बाबा गुल्ली और बुल्ली से कहते हैं कि इसका मतलब रॉड को यहाँ पर मम्मी ने बुलाया है, इसीलिए वो पिरामिड के अंदर चला गया। चलो अब हमें भी पिरामिड के अंदर चलना चाहिए। तभी बुल्ली बोला, अरे पिरामिड वाले बाबा आप कहाँ जा रहे हैं, पिरामिड तो इधर है। पिरामिड वाले बाबा ने कहा, बुल्ली मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, इसीलिए अब मुझे चलना होगा, और वैसे भी अब तुम लोग जानते ही हो कि अब तुम्हें आगे क्या करना है। बस इतना कहते ही पिरामिड वाले बाबा यहाँ से चले जाते हैं। बाबा ने कहा, चलो अब देर नहीं करते हैं और सीधा पिरामिड के अंदर चलते हैं। अभी गुल्ली बुल्ली और बाबा पिरामिड को खोलने के लिए पत्थरों को खिसकाने ही वाले थे, लेकिन तभी तीनों को किसी चीज की आवाज आने लगती है। गुल्ली ने कहा, बाबा ये कैसी आवाज है, लगता है जंगल में हमारे साथ और कोई भी है। तभी गुल्ली बोला, वो देखो वहाँ से कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। बाबा कहते हैं, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई, देखने में तो ये किसी लुटेरे से कम नहीं लगते। हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, हम हैं पिरामिड के लुटेरे और हम पिरामिड के साथ साथ तुम्हें भी लूट लेंगे। बाबा ने कहा, देखो तुम हमें नहीं लूट सकते क्योंकि हम तो पहले ही लुटे हुए हैं, मेरा मतलब है कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। बाबा की बात सुनते ही एक लुटेरा कहता है, चलो फिर ये बात छोड़ो और बताओ कि तुम पिरामिड के पास क्या करने आए हो। बाबा ने कहा, मैं पिरामिड के अंदर जा रहा हूँ उस मम्मी का खेल हमेशा के लिए खत्म करने। ये बात सुनते ही तीनों लुटेरों के होश उड़ गए।
और तभी लुटेरों का सरदार बाबा के पास आता है और बताता है कि पिरामिड के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है और पिरामिड के अंदर कोई ममी नहीं बल्कि ढेर सारा खजाना है और वो सारा खजाना सिर्फ मेरा है। चलो अब बताओ कि तुम पिरामिड के अंदर कैसे जाओगे। बाबा ने कहा, अच्छा तो तुम्हें खजाना चाहिए मगर तुम अंदर जाने का रास्ता नहीं जानते। चलो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि पिरामिड के अंदर कैसे जाना है। लुटेरे ने कहा, मगर जाना कहाँ है, क्या तुम्हारे पास कोई नक्शा नहीं है। बाबा कहते हैं, हाँ है ना नक्शा, वो उस वैन के पीछे रखा हुआ है। चलो आ जाओ मैं तुम्हें नक्शा दिखाता हूँ। तीनों लुटेरों की छुट्टी करने के बाद बाबा गुल्ली बुल्ली के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो जल्दी से पिरामिड के अंदर चलते हैं इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए। और फिर गुल्ली बुल्ली और बाबा मिलकर पिरामिड का दरवाजा खोलते हैं और पिरामिड का दरवाजा खुलते ही गुल्ली बुल्ली और बाबा पिरामिड के अंदर जाने लगते हैं। पिरामिड के अंदर आते ही गुल्ली बुल्ली और बाबा ने कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखकर तीनों के होश उड़ गए। गुल्ली बुल्ली और बाबा देखते हैं कि सामने रॉड खड़ा हुआ है और रॉड के हाथ में एक तलवार है। शायद रॉड दरवाजे का पहरेदार बनकर खड़ा हुआ है और ये यहाँ से आगे किसी को भी नहीं जाने देगा। रॉड को देखते ही बाबा का दिमाग खराब हो गया क्योंकि रॉड हर बार बाबा के काम में टांग अड़ा रहा है। बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, अब इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। लेकिन तभी गुल्ली बाबा को रोकता है और कहता है, बाबा रॉड ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा है, वो तो मम्मी के काबू में है। बाबा मैं रॉड को समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद वो मेरी बात समझ जाए। और फिर गुल्ली रॉड को समझाता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अरे नहीं, रॉड को समझाते समझाते गुल्ली ये बात तो भूल ही गया कि उसे रॉड के ज्यादा पास नहीं जाना था। और तभी बाबा कहते हैं, गुल्ली हट जाओ सामने से, और इतना कहते ही बाबा रॉड की तरफ दौड़ लगा देते हैं। बाबा ने कहा, चलो ये अच्छा हुआ रॉड अब एक घंटे के लिए बेहोश हो गया है, चलो हमें फौरन आगे चलना चाहिए। बाबा और गुल्ली बुल्ली मिलकर सारी ममीज को ढेर कर देते हैं और फिर तीनों लोग फौरन ताबूत के पास जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा ने जैसे ही ताबूत को खोला तो तीनों के चेहरे खुशी से खिल उठे क्योंकि ताबूत के अंदर शॉन लेटा हुआ है। और फिर शॉन फौरन ताबूत से बाहर आ जाता है। लेकिन शॉन अब डर क्यों रहा है, अब तो यहाँ पर बाबा हैं। तभी शॉन पीछे की तरफ हाथ करता है जिसके बाद गुल्ली बुल्ली और बाबा पीछे मुड़कर देखते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं कि तुम तीनों बाहर जाओ और हाँ दरवाजे को बाहर से बंद कर लेना क्योंकि आज मैं इस मम्मी का खेल खत्म कर दूंगा। इधर मम्मी बाबा की तरफ दौड़ लगा देती है और ये देखते ही बाबा भी फौरन मम्मी की तरफ दौड़ लगा देते हैं।
बाबा की बात मानते हुए गुल्ली गुल्ली और शॉन कमरे से बाहर आ जाते हैं और दरवाजे को बाहर से बंद कर लेते हैं। अरे गुल्ली, ये शोर कैसा है? इसने तो मुझे सोते से जगा दिया। गुल्ली ने कहा, रॉड इसका मतलब तुम ठीक हो गए हो? रॉड कहता है, हाँ गुल्ली, मगर पहले ये बताओ कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। तभी गुल्ली बताता है, रॉड अंदर बाबा और मम्मी की लड़ाई चल रही है, आज बाबा उसे नहीं छोड़ने वाले। तभी रॉड की नजर दरवाजे पर पड़ी। रॉड बोला कि तुम लोगों ने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अगर वो मम्मी बाबा के ऊपर भारी पड़ गई तो बाबा को कौन बचाएगा? हटो, मुझे अंदर जाने दो। अंदर आते ही रॉड चारों तरफ देखता है, मगर ये क्या, बाबा तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। शॉन बोला कि बाबा कहाँ पर हैं? आखिर यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? और तभी और फिर बाबा मम्मी को ताबूत में बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए।